लोग ऐसे हैं जो लेने में भी करते हैं, देने की तो हिम्मत ही नहीं, लेने में भी करते हैं। इसकी एक घटना है, तो उस वक्त ट्रैवल करते थे जबलपुर से इलाहाबाद में, उनको ट्रेन चेंज करना पड़ता था। इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर एक बार वेटिंग रूम में बैठ लेट वेट कर रहे थे ट्रेन चेंज करने का। मेन लाइन जबलपुर से जो आती थी इलाहाबाद में, उसको चेंज करना। बहुत गर्मी थी तो माँ मधुर के साथ चिंता कर रही थी, उन्होंने इनका चेयर जो है बाहर निकाल के रख दिया। वेटिंग रूम से बाहर थोड़ी ठंडक थी, उसमें ए सी भी होता नहीं था, वहाँ थोड़ा बैठे थे। उसको एक भिखारी आया, इलाहाबाद में बहुत भिखारी और संत होते हैं जो भीख मांगते हैं, ऐसा एक साधु भिखारी के रूप में आया और भगवान ओशो बात कर रहे थे माँ मधुर से, कुछ समझा रहे थे। उसने कहा कि बाबा एक रुपया दे दो। उस लोग के गुण था कि जो भी करते थे वो बहुत टोटल करते थे, जिससे बात करते थे बिल्कुल 100% उसके तरफ अटेंशन रहता था, वो दूसरी चीज देखते नहीं थे। तो उस लोग फिर अपने जो मधु को समझा रहे थे समझाते ही रहे। उसको भिखारी भी जिद्दी होते हैं, साधु था, उसने देखा कि मुझे ध्यान नहीं दे रहे थे, जोर से बोला बाबा एक रुपया दे दो। फिर भी उसने ध्यान नहीं दिया। तीसरे बार उसको भी, उसके भी तो भिखारी को भी तो आम याद होता है, हमको अभी था इग्नोर कर रहे तो आगे आ जाए, बोला सुनते नहीं क्या, मैं कह रहा हूँ एक रुपया दे दे। सब कहा क्या होता है ना, अहंकारी होगा भिखारी का ज्ञान था, बिना अहंकार में तो जगत चलता ही नहीं। उसने उसको देखा तो उसने ऐसे कहा मैं कह रहा हूँ बात करना तो उसकी उसको बहुत लाभ होता है।
जिस गुरु की खोज में सत्य की खोज में वो भटक रहा है उसके नजदीक पहुंच जाता है वो बहुत उसको लाभ होता है, अच्छा होता है। ये देखो डर गए वो भाग गया। तो मैंने कहा ये रोज ही कहा मैं गांव गांव जाता हूँ, शहर शहर घूमता हूँ, बड़े समर्थ मान लोगों को देखता हूँ, ऐसे लोग को देखता हूँ जिनका अतीत बड़ा पुण्यशाली रहा है। मैं उनको अपने पास बुलाना चाहता हूँ, उनको कुछ देना चाहता हूँ, लेकिन लोग देने में कंजूस हैं ये तो मेरी समझ में आता है, लेने में उससे भी बड़े कंजूस हैं, उससे डर लोग डर जाते हैं। शक्ति ध्यान करेगा वो कंजूस हो ही नहीं सकता। इसका विज्ञान में बताता हूँ, जो सामान्य लोग हैं ना वो सांस लेते हैं लंबी, छोड़ते हैं छोटी, सांस भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, इसको भी पकड़ते हैं। सामान्य लोग का लक्षण गहरी सांस लंबी लेंगे छोड़ेंगे छोटी, गहरी सांस नहीं छोड़ते, पकड़ने की बुद्धि सांस को नहीं पकड़ती। और इसलिए आज ये संसार जो है कॉन्स्टिपेशन से पीड़ित हो रहा है, मन को भी पकड़ लेते हैं। जितनी बहेगी उतना ही उसमें चलेगा, जिस कुएं से आप जितना पानी निकालेंगे उतना ही स्वच्छ पानी उसमें आएगा। तो देती तो देता तो परमात्मा है, देता देती तो प्रकृति है, अस्तित्व देता है, जो लुटाना जानते हैं उनको कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देता है। आप जातियों में देखेंगे जो जातियां दान करती है वो धनी होगी, जो कंजूस होंगे जो जातियां दान दे नहीं सकती वो गरीब होगी। जैसे आपको मैं बताऊं, सिखों में गुरु उनको गुरुद्वारा को अपने आय का एक हिस्सा देने की संस्कृति है। सिख आपको कहीं इसलिए कुछ लोगों के जीवन में देखेगा शुभ ही शुभ घटता है, उन्होंने विगत के जन्मों में बहुत शुभ किया होगा। संगीता कौन तब कौन आए थे वो दोनों भाई हैं, गाते हैं, क्या नाम उनका, राजन साजन बड़े अच्छे संगीतक हैं और भगवान के भी बड़े प्रेमी हैं। वो तब कौन आए थे तो तपोवन घूमे, समाधि वगैरह सब उन्होंने दिखाया, तो बड़े अभिभूत हो गए, काव्य हृदय है। तो उन्होंने कहा कि देखो तुम लोग जो तपोवन में रहते हो पिछले जन्म में तुम लोगों ने दान किया है बिना गिने हुए, हम लोग गिन के दान किए थे तो कवि हो गए, गिन जा रहे हैं, थोड़ी प्रसिद्धि मिली हम लोग को भी, प्रसिद्धि मिली है, हम लोगों ने भी दान किया था लेकिन गिन के दिया था 10 रुपया 20 रुपया और असरफी एक दो असरफी, तुम लोग ने जो है ना बिना गिने दान किया था इसलिए तुम लोग को ऐसी जगह मिली है रहने के लिए। एक काव्य है जैसे कही गई ये बात है। तो मतलब ये है कि जो आप देते हैं वो उसका फल आज तक मिलता ही मिलता है। मैंने पिछले जन्मों पर अपने ऊपर और बहुत लोगों के ऊपर बहुत प्रयोग किया है, मैंने देखा है कि इस जन्म में जो लोग बहुत प्रसिद्ध हैं जिनको अनायास सफलता मिल रही है, प्रसिद्धि मिल रही है, वो सब पिछले जन्म के बहुत अच्छे साधक, बहुत अच्छे सन्यासी और बड़े भले महान और बहुत बड़े दानी रहे हैं।